लॉकडाउन के बीच दिल्ली के इंडिया गेट पर आज दो लग्जरी बसों में कई विदेशियों को जाते देखा गया। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग के कायम नियम और कानून नदारद थे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इनको किसकी इजाजत मिली थी बस से इधर उधर जाने की। वहीं इंडिया गेट पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस के सिपाहियों ने इन्हें रोका और फिर जाने दिया। सवाल पूछने पर ट्रैफिक पुलिस वालों ने कहा कि इनके पास परमिशन है, हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वे कहां जा रहे हैं। पूरे मामले का जायजा लिया है संवाददाता बिलाल सब्जवारी ने। I'm just want to know how you came in such no, that's right. No, that's what I'm asking. I just want to know, but how you came here? Sir, ये लोग कहाँ से आए सर? ये सर ऋषिकेश से आए। तो ये इस सिचुएशन के अंदर हाउ दे केम सर? बट कितने लोग हैं टोटल? सर सॉरी एक्चुअली हमारा कुछ भी नहीं। नहीं तो इफ यू हैव अ परमिशन व्हाई यू आर हाइडिंग सर? No, we don't want your permission, please. But we just want to know, you people are tourists, how you came in such situation? Just want to know, you have the permission, लेकिन ये इतने सारे लोग जो इकट्ठे थे इनको किसने परमिशन दी सर? फॉरेन मिनिस्ट्री ने। फॉरेन मिनिस्ट्री ने दी? सर क्या था परमिशन में सर? कौशल मलिक सर मेरे को नहीं पता इन चीजों को, आप हमारे अफसर बताएंगे, हमने बता दिया अपने। नहीं सवाल ये होता सर कि ये इतने सारे लोग। भाई साहब हम हमारे ऑफिसरों से जाके बात कीजिए, हम वो दे सकते हैं, हम कोई जवाब नहीं दे सकते बात। ओके हमारे ऑफिसर दे सकते हैं सर। अच्छा तो ये थे यहाँ के लोग जिनका ये कहना था कि इस संबंध में हम कोई जवाब नहीं दे सकते। ये दो टूरिस्ट बसें थी, इसमें लोग फॉरेन के लोग थे। इन लोगों का ये कहना है कि परमिशन थी, लेकिन इन सिचुएशन के अंदर इनको परमिशन कैसे दी, किसने दी, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। लेकिन यहाँ के पुलिस वालों का ये कहना है, ट्रैफिक पुलिस वालों का कहना है कि इस संबंध में आप हमारे अधिकारियों से बात कीजिए। कैमरामैन विवेक के साथ बिलाल सब्जवारी, स्वराज एक्सप्रेस, दिल्ली। तो आप रिपोर्ट देख रहे थे हमारे संवाददाता बिलाल सब्जवारी की, जो हमारे साथ अब लाइव जुड़ गए इस खबर पर। बिलाल, दो बसें भरकर विदेशी नागरिक जो हैं वो आज दिल्ली गेट से, इंडिया गेट से पास हुए हैं और इनको लेके कोई इन्फॉर्मेशन, कोई बताने को यहाँ पे राजी नहीं है। पूरा मामला आखिर क्या है? हमने देखा कि आप लगातार पुलिस वालों से उनसे पूछ रहे थे, लेकिन कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। देखिए हमने बस के अंदर भी जाकर इन लोगों से बात करने की कोशिश की, तब हमें किसी तरह का कोई रिप्लाई नहीं मिल पाया। इनके साथ जो टूरिस्ट गाइड था उससे हमने जानने की कोशिश की, उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो जो टूरिस्ट जो खुद इनके साथ मौजूद थे उनसे हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया। फिर फाइनली हमने जब पुलिस वालों से पूछा जिन्होंने इनको रोका था, उनके पास भी उसका कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं था। सवाल ये होता है कि इस दो बसेस के अंदर जो लग्जरी बसेस थी जिसमें फॉरेन टूरिस्ट हमें देखने को मिल रहे थे, और एक बस में मिनिमम 100 के लोग के करीब लोग थे, और दोनों बसों को मिला ली जाए तो तकरीबन 200 ये फॉरेनर थे। और जब आज सोशल डिस्टेंसिंग की हो रही है, जहां बसेस अलाउड नहीं है, एक दूसरे के करीब बैठना अलाउ नहीं है, एक दूसरे से बात करना अलाउ नहीं है, 1 मीटर का डिस्टेंस पे हमें प्रिकॉशंस रखनी है, ऐसे में 100-100 लोगों को बसों के अंदर भर के देहरादून से दिल्ली भेज देना, ये किसने इनको इजाजत दी और ये कैसे इनको मिल पाई? इसी सभी सवालों को जानने की हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस वाले ये तो कह रहे थे कि उनको इजाजत है, इनको परमिशन है। अगर इनके पास परमिशन थी तो फिर पुलिस वाले छुपा क्यों रहे थे? और अगर ये टूरिस्ट खुद कह रहे हैं कि हमारे पास परमिशन थी तो वे बात करने से क्यों कतरा रहे थे? सवाल ये अपने आप में खड़ा होता है। और ये कह रहे थे कि हमें एयरपोर्ट जाना है, इस फिलहाल तो सारी फ्लाइटें बंद हैं, एयरपोर्ट सील है, तो ये कहां जा रहे थे, कौन थे, इसकी अपने आप में सवाल खड़ा करता है। इंडिया गेट पर हम लोग गुजर रहे थे, हमने देखा दो फॉरेन बसेस में लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम लोग चौंक गए, हमने समझने की कोशिश करी, हमने अपनी गाड़ी रुकवा ली, हमने शॉर्ट्स बनाने शुरू कर दिए, हम लोग इनसे बात करनी शुरू कर दी, लेकिन किसी तरह का भी कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिल पाया हम लोगों को। जी बिलाल, जवाब नहीं मिल पाया, लेकिन यहाँ पे प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आ रही है। जैसा कि आपने बताया, वो कहते हैं एयरपोर्ट जा रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन है, फ्लाइट्स नहीं जा रही, तो आखिर ये इतनी बड़ी संख्या में जो विदेशी नागरिक है वो कहाँ से आए? ना कोई सेफ्टी यहाँ पे नजर आ रही है, और जो पूरा जो ये लॉकडाउन की जो धज्जियां हैं खुले तौर पर उड़ती हुई नजर आ रही है दिल्ली की सड़कों पर। जी हाँ बिल्कुल, इसे बिल्कुल लॉकडाउन की धज्जियां उड़ना कह सकते हैं आप। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इस लॉकडाउन के अंदर जो फंडामेंटल प्रिकॉशन है सोशल डिस्टेंसिंग की, उसको मेंटेन करने की बात हर नागरिक पर लागू होती है,
अभी आपने देखा मरकज में बात चल रही थी कि इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की, इतने सारे लोग मौजूद थे, तो फिर ये सोशल डिस्टेंसिंग एक बस के अंदर 100-100 लोग आपने भर रखे हैं, इसी वजह से दिल्ली के अंदर बसेस नहीं चल रही हैं ताकि वायरस एक का दूसरे में ट्रांसफर ना हो, किसी तरह से ये वायरस ना फैले। ये फॉरेनर लोग हैं, ये यहाँ पर आए हुए थे, इनको क्वारंटाइन क्यों नहीं किया गया, क्या इनको क्वारंटाइन किया गया या नहीं किया गया, ये अपने आप में एक सवाल है। आखिर इनको इजाजत किसने दी, कौन लोग हैं, इस पर अपने आप में एक जांच होनी चाहिए, इस पर अधिकारियों को जवाब देना चाहिए, कमिश्नर पर इस पर सो मोटिव लेना चाहिए। ये बात करते फॉरेन मिनिस्ट्री की, तो फॉरेन मिनिस्ट्री देहरादून से कहाँ ऑपरेट होती है, फॉरेन मिनिस्ट्री तो दिल्ली से ऑपरेट होती है जी। तो ये तमाम बड़े सवाल हैं कि आखिर लॉकडाउन के वक्त इतनी भारी संख्या में विदेशी नागरिक का मूवमेंट कैसे हो सकता है, और आखिर ये लोग कहां से आए थे और कहां जा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने।